ये देखे हम ही देख रहे हैं। पता नहीं डियर बोलता कैसे है, पता नहीं। अच्छा बेर बाय बाय जा रहे हैं हम। ये देख रहा है कौन है भाई लोग आके खोलो और बोरा बटरफ्लाई बन। अरे ये तो भाग रहे हैं। एशियन हाइना लग रहा है खाने पीने का ख्याल उसका। देखें जी हिप्पो अपने सो ब्यूटीफुल जी। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे फिट फाट होंगे। मैं बड़ा ही एक्साइटेड हूँ भाई, मैं आया हूँ बन्नरघट्टा सफारी फार्म में। तो भाई टिकट हमने ले लिया है और थोड़ा बाहर पार्किंग शार्किंग कर दी है। अब यहाँ जाते हैं, बहुत ज़्यादा रश है। अंदर जाएंगे और आपको पूरे पार्क की सैर करवाएंगे। वीडियो देखते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यार करते रहें। अगर ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम एक सफारी पार्क इंडिया में एक्सपीरियंस करते हैं, आ जाए मेरे साथ। बहुत ही लंबी लाइन है भाई, कम से कम 100-150 लोग खड़े हुए हैं। ज्यादा है यार, ज्यादा है, आप देख सकते हैं वो आगे तक लाइन लगी हुई है। एक्साइटमेंट और बढ़ गई है क्योंकि जितना वेट होता है उतनी एक्साइटमेंट है। देखते हैं किस टाइप की सफारी है, क्या जैसे वो अफ्रीकन कंट्रीज में होती है या कुछ इंडिया के और स्टेट्स में वैसी है या एक जू का एक्सपीरियंस है। वीडियो एंड तक देखें फिर आपको कंप्लीट रिव्यू का पता लगेगा। तो भाई एक एसी है एक नॉन एसी है, हमने नॉन एसी ली है तो देखते हैं। तो भाई एक क्लॉक रूम है जहाँ पे आपके जो बैग्स वगैरह डिफरेंट जो चीजें हैं जो आपको बस में नहीं ले जानी वो यहाँ आप जमा करवा सकते हैं। अच्छा भाई वेटिंग पे बिठा दिया है, एक अलग सा ये सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। तो कोई वीआईपी लगता है टिकट ले लिया गलती से, आई होप ऐसा ही हो। तो उन्होंने कहा बैठे, बस आएगी उसमें बिठाएंगे फिर आपको सवारी पे लेके जाएंगे। तो भाई वहाँ से काफ़ी आगे चला के और एक और जगह था यहाँ बैठ गए। तो भाई बस में बैठ गए जा रहे हैं सफारी, फिर आपको बताते हैं आगे देखें क्या है बस में, क्या नज़र आ रहा है। ये है भाई बस रमा दमा, बस देखने ऐसी है। जंगले लगे हुए हैं, बस जंगले लगे हुए हैं और जंगल में जा रही है बस। और ये देख सकते हैं आप पहाड़ वगैरह, एकदम जंगल शुरू हो रहा है। टाइगर्स वगैरह और डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उससे बचने के लिए उन्होंने सारा बैरिकेड किया हुआ है, देख सकते हैं। वेलकम टू सफारी, गेट के अंदर एंटर हो गए हम। भाई बस ड्राइवर बस रैश ड्राइविंग कर रहा है, अदरवाइज सब ठीक है। जानवरों से इतना डर नहीं लगेगा इतना ये रैश ड्राइविंग है। अब देखें ये मोड़ आया है, ये देखें वो तेरी हो, मुझे नहीं पता आपको वीडियो में नजर आ रहा है कि नहीं, लेकिन ये बहुत तेज मोड़ता है। तो फर्स्ट जो नजर आए हैं जानवर भाई वो है डियर, ये खड़े हुए हैं। देखा नील गाय भी है,
काफी ज्यादा है ये। हम ही देख रहे हैं, पता नहीं डियर बोलता कैसे है, पता नहीं। और इस तरफ भी है, अगर आपको शायद मैं दिखा सकूं, वो खड़े हुए। ये देखें भाई, बारहसिंगा बहुत मैसिव। और ये भाई, हम एक एलिफेंट के उसमें जा रहे हैं। ये देखें, एलिफेंट के बारे में लिखा हुआ है, तो ऐसा ही गेट सा बना हुआ है। ये देखें, अब गेट के अंदर जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे हाथी नजर आते हैं कि नहीं। अरे आ गया आ गया आ गया, ये रहा भाई जंगल में, जंगल में। ये देखें भाई, हाथी मेरे साथी। अरे भाई, ये बहुत सारे हाथी नजर आ रहे हैं। ओए तो पूरी इन्होंने सेंचुरी बनाई है। ओए ओए ओए, ये देखें भाई, वो देखें, वो हाथी को नहला रहे हैं। लेकिन यहाँ बस से बाहर जाना अलाउ नहीं है, तो उनको नेचुरल एनवायरनमेंट में रखा हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। ये भाई हाथी, इंडियन एशियन एलिफेंट। वो देखें फीडिंग, बच्चा वो देखें फीडिंग भी कर रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से एलिफेंट रखे हुए हैं, बड़े खुश हैं, खा पी रहे हैं। एक हम अब टाइगर के उसमें जा रहे हैं, देख सकते हैं टाइगर एरिया, ये पिंजरा बना हुआ है, बकायदा इन्होंने पिंजरा बनाया हुआ है। इनका एक्सपीरियंस बहुत होता है बस वालों का, मेरा रोज़ 10 दफ़ा आना है, तो ये स्पॉट कर ही देते हैं। आगे भी एक बस जा रही है, वो ब्लैक बेयर था, वो नहीं था, ये बेचारे गर्मी से उनका बुरा हाल हो गया है, लेकिन नेचुरल इन्वायरमेंट में ठीक है, रिलैक्स कर रहे हैं, सो रहे हैं, देख सकते हैं। ये गाड़ियों के पीछे आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखिए, ये रेस्ट कर रहे हैं, ये दोनों कर रहे हैं। और इन्होंने इधर वाले जो लोग हैं उनको भी दिखा रहे हैं, ये बेयर अच्छा बेयर, बाय बाय जा रहे हैं हम। ये भाई, हम एक और गेट में एंटर हो रहे हैं, ऑटोमेटिक गेट है सारे, लेकिन गेट खुलता है, आप अंदर जाएंगे फिर पिछला बंद होगा तो अगला खुलेगा, ये देखिए, ताकि जानवर जो हैं वो एक दूसरे के पिंजरों में ना। ये हम दूसरी जगह जा रहे हैं, कैसे इन्होंने सेपरेट किए हैं अंदर, फिर वही नेचुरल जंगल का माहौल आ गया। जंगल मूवी आपने देखी होगी, वही सीन। फाइनली जी झाड़ के बाद लाइन नगर आ गया बेचारा, एक नेचुरल एनवायरनमेंट में है, लेकिन सोया हुआ है। अबे भाई, बस के शोर से आंख खुल गई इसकी, ये देख रहा है कौन है भाई, लोग क्यों मुझे तंग कर रहे हैं, फिर सोने की तैयारी कर रहा है। तो भाई, ये एशियन मेल लाइन आपके सामने, इंडिया में पाया जाता है, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो अच्छी जगह है, ये देख सकते हैं आसपास, जबरदस्त। फिर बस रुक गई तो फिर देख रहा है, ओए फिर आंखें बंद कर, आंखें खोलो, आईज ओपन। नहीं यार, नहीं खोल, और वो रहा भाई, इसको पानी पसंद है। फाइनली हम लाइन के बाद आ गए हैं बाघ के। ज्यादातर ये छुप के रहते हैं भाई, आपको इस तरह के जंगल में ये नजर नहीं आते, ये लकी हमें नजर आ गए, क्योंकि अभी पानी में बाघ ले रहा है।
अदरवाइज ये कैमोफ्लेज हो जाते हैं इस तरह से, जहाँ धूप होती है और शेड होती है। भाई एग्जिट गेट पे आ गए, यहाँ पे एक बटरफ्लाई पार्क नजर आ रहा है, तो बस से उतरेंगे और फिर आपको यहाँ भी लेके चलेंगे। ये थी भाई बस, कोई बहुत ज्यादा जानवर नहीं थे, चार पांच ही थे जो सफारी में आप बेसिकली देख के आए हैं, लेकिन जिसको रोलर कोस्टर जंपिंग और वो पसंद है उसके लिए तो भाई ये बेस्ट चीज थी, लेकिन कुछ बच्चे और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए थोड़ा मसला था, अंदर वॉमिट वगैरह भी हो रही थी, तो एहतियात से चलाना चाहिए थोड़ा। तो भाई आपने राइड देखी, मज़ा आया, अच्छी थी, लेकिन यार जो भी यहाँ की अथॉरिटीज़ हैं उनसे कहना चाहूँगा, कुछ बड़ी उम्र के लोग थे, बच्चे थे, बहुत ज़्यादा ज़िग ज़ैग ऊपर नीचे, जवान तो वैसे हम भी नहीं रहे, लेकिन हम मेरे जितना बंदा सह लेगा, लेकिन कुछ बूढ़ी औरतें थी, बच्चे थे, वॉमिट कर रहे थे, तो थोड़ा उसमें एहतियात करना चाहिए, बाकी अच्छी राइड थी, मज़ा आया। अच्छा भाई ये बंदर है यहाँ पे, लेकिन ये वो वाला बंदर नहीं है जो कि जू वाला है, ये जंगली बंदर है और इनसे केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि ये चीज़ें छीन लेते हैं। ये देखें जी, बड़ी खूबसूरत सी हिल और वाटर यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत व्यू, बिल्कुल इस जो जू है या सफारी है उसके बिल्कुल बराबर में, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है ये। तो यार गर्मी में जब हमने नारियल ट्राई किया तो यार उसका बहुत ही मज़ा था, बहुत ही फ्रेश था और ठंडा ठंडा सा भी था, मज़ा आ गया। नारियल खाने के बाद इस तरह इसमें मलाई होती है, ये देखें कोकोनट वाली जो बेसिकली खोपरा बन रहा होता है, ये ट्राई करते हैं। ये कोकोनट क्रीम कहते हैं इसे। बहुत ही फ्रेश। वहाँ रश पड़ा था तो हम थोड़ा साइड पे आ गए। और ये है भाई द मैसिव जिराफ, बहुत खुला इसका पिंजरा है, बहुत ज़्यादा स्पेस है और एकदम जैसा नेचुरल एक एनवायरनमेंट होता है। देखें इन्होंने फेंस भी जो है वो वुड की लगाई हुई है, जिस तरह दरख्त होते हैं, तो काफ़ी रिलैक्स है और उसकी हेल्थ से भी लग रहा है, खाने पीने का ख्याल उसका अच्छे से रखा जाता है। गुड भाई, ये कम से कम भी 200 मीटर की लाइन है, ये देखो वो आगे तक, फिर जाके आपकी बारी आएगी। वी आर वेरी लकी कि हम सुबह जल्दी आ गए और हमने सफारी देख ली। तो ये है भाई मैप, काफ़ी बड़ा जू है भाई। तो भाई अब सफारी के टूर के बाद हम जाएंगे जू और जू को कंप्लीट विजिट करेंगे।
ये है भाई लंगूर बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हुए। ये देखें बाकायदा वो फेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कामयाब हो पाएगा। भाई बहुत ही अच्छा इसका बनाया हुआ है इन्होंने, अच्छा पिंजरा। ये देखें प्रॉपर एक स्पेस दी हुई है, कितनी बड़ी स्पेस है ये देखें, और व्यू भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यू है। तो यहाँ से आप बेसिकली देखते हैं, और ये देखें ऑसम। ये देखें टाइगर का केव भी बनाया हुआ है, ये देखें बड़ा ही खूबसूरत सा। तो ये देखें टाइगर डेन, ये देख रहे हैं भाई। हाँ भाई अमेजिंग है ये भाई, केव है कुछ वहाँ नज़र आ रहा है। ये है जी ब्लैक बेयर, और बड़ा ही हेल्दी, बड़ा ही एक्टिव। मुझे तो सफारी से ज़्यादा एक्टिव ये वाले लग रहे हैं, बड़ा ही चमकदार हेल्दी सा बेयर देख सकते हैं आप। ये काफ़ी बड़ा इसका भी कमरा है। सबसे जो यहाँ अच्छी चीज़ है कि व्यू भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा, और देखें कितना बड़ा ये इन्होंने पिंजरा बनाया हुआ है। गुड है यह जी अफ्रीकन ऑस्ट्रिच, ईमू। तो ये देखें बड़े एक्टिव हैं, बड़े अच्छे से इनको रखा हुआ है, और काफ़ी हेल्दी हैं ये, इनके लिए भी अच्छी रीजनेबल स्पेस दी हुई है ये देखें। और ये है जी सारे देख सकते हैं वाइल्ड डॉग, हाइना, जैकल, वुल्फ, इनका एक अलग ही सेक्शन बना हुआ है, तो दिखाते हैं आपको। अरे ये तो भाग रहे हैं, अरे वाह, तो आप देख सकते हैं भाई ये जैकल लग रहे हैं मुझे, बहुत ही एक्टिव, बहुत ही हेल्दी। और इनका देखें कितना बड़ा ये एरिया है, नेचुरल हिल पे बना हुआ है, अमेजिंग। ऐसा लग रहा है हंटिंग पे निकले हुए सारे। अब ये जैकल है, वाइल्ड डॉग है, मुझे इसमें नहीं पता लग रहा। ये है भाई एशियन हाइना, देख सकते हैं रिलैक्स कर रहा है वो, आई होप आपको नज़र आ रहा हो। ये देखें और जूम कर देता हूँ, ये देखें एशियन हाइना, अभी ये उठा था तो प्रॉपर नज़र आ रहा था, अभी रेस्ट कर रहा है। ये देखें भाई पैक ऑफ वुल्फ, ये भी ऐसे फिर रहे जैसे इन्होंने हंटिंग करनी है। एशियन इंडियन वुल्फ, ये बोटिंग का बड़ा ही खूबसूरत एक पार्क बनाया हुआ है, दिखाता हूँ आपको। झील बनाई हुई है, बहुत ही खूबसूरत। भाई ये हिरन का ब्लैक बक्स का बहुत ही ज्यादा वो आप देख सकते हैं, शायद मेरा कैमरा आपको दिखा दे। ये देखें कम से कम 2 dozen के हिसाब से खड़े हुए हैं। देखें जी हिप्पो अपने घर के अंदर, हिप्पो दो हिप्पो हैं, और धूप की वजह से नहीं आ रहे, वरना यहाँ पे पानी होता है उनका। और ये भी हिप्पो हैं, एक यहाँ है, दो यहाँ हैं, तो टोटल 4 हिप्पो हैं, अलग अलग इन्होंने रखे हुए हैं, और सारे अंदर हैं। ये मेरे फेवरेट हिरन भाई, देख रहे हैं आप, ये डॉटेड जो होते हैं, ये देखें बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा, ये देखें बड़े हेल्दी, क्या बात। और ये भाई आ गए फाइनली एलिफेंट्स, कितने सारे भाई, 4 हाथी खड़े हैं, मीडियम साइज है ये, लेकिन हाथी तो हाथी है भाई, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत
काफी बड़ा इनका जो ये एरिया बनाया हुआ है। मीडियम साइज चार एलिफेंट, बहुत ही खूबसूरत एशियन इंडियन एलिफेंट। लोगों का बहुत ही ज्यादा रश। ये भाई, इसकी दहशत ही अलग है, टोर ही अलग है भाई। ये देखो, ये इसका सारा पिंजरा है। ये सारा जी बर्ड का जोन है, बहुत ही मैसिव। ये सारा भाई बर्ड्स का, बहुत ही मैसिव। जू बंद होने का टाइम हो रहा है तो जल्दी जल्दी दिखाएंगे, कुछ जानवर मिस हो जाएंगे तो। लेकिन बहुत बड़ा, बहुत ही बढ़िया जू। ये है भाई जी कॉकाटू। ओ नहीं यार, ये तो बकाओ है, सॉरी। बहुत ही मैसिव, बड़े बड़े बकाओ देख सकते हैं। और ये है अपना ऑस्ट्रेलियन कॉकाटू, जो वहाँ फ्री में हर जगह फिर रहे होते हैं। हमारे घर के सामने पेड़ पे भी डजन के हिसाब से बैठे होते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे ऑस्ट्रेलियन मैगपाई पिंजरे में बंद है। जैसे ही कौवा होता है जिसके थोड़े से वाइट शेड होता है। आइए फिर, ये भी ऑस्ट्रेलियन तोते भाई। ये बहुत ही मैसिव तोता नजर आया है मुझे। ये कहाँ होता है ये? ये भाई अपनी जंगली मुर्गी, देसी, प्योर देसी लाल। तो जो मुर्गी खाने के शौकीन है वो देख लें, प्योर जंगली मुर्गी। ये बहुत ही खास किस्म की मुर्गियाँ देख सकते हैं आप, कितनी खूबसूरत है। ये तोता सा लग रही है लेकिन मुर्गी है ये। सो प्रीटी जी, इंडिया के जंगलों में पाई जाती है ये भाई ऑस्ट्रेलियन तोते, ये तो सबको ही पता है। सो ब्यूटीफुल जी, ये मोर देखें कितना खूबसूरत, वाइट थ्रू आउट वाइट, बहुत खूबसूरत। ये देखिए भाई, इतने बड़े बड़े पेलिकन्स और बगले भी हैं। बहुत मैसिव इनका केज है। देखिए अंदर वो उड़ रहे हैं बकायदा, ये देखें पेलिकन्स। और भाई ये है बबून, अभी ये भाग रहा था, बैठ गया है। छेड़ने पे काफी खतरनाक हो सकता है भाई ये। ये देखें बहुत ही एक्टिव, ये देखिए ये। ये जू और सफारी के पार्क के साथ ही कितनी खाने के दुकानें हैं, कितने सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, हर तरह के फल फ्रूट स्नैक्स,
ये तो आइस वाले, ये देखो ये लेमन सोडा भेलपुरी, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, नारियल पानी, कॉफी, टी, चाय, भुट्टा, छल्ली, गन्ने का रस, क्या क्या चीजें हैं भाई, बाद में ले लेना। फुल मेले वाला माहौल है भाई। अच्छा भाई, यहाँ पे अब बटरफ्लाई एक पार्क बनाया है, बड़ा खूबसूरत, उसकी एंट्रेंस आप देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत सी बनाई हुई है। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या है। आ जाए मेरे साथ। तो ये भाई एंट्रेंस है, देख सकते हैं, बड़ा ही ग्रीन एरिया बनाया हुआ है, बड़ा ही ग्रीन सा एरिया बना हुआ है, देख सकते हैं आप, क्या बात है। तो एंट्री तो बहुत अच्छी है, देखते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। ये सारा अच्छा गाइड किया हुआ जी इन्होंने, ये देखें सारे बर्ड्स, रेप्टाइल्स और ये सारे जानवर हैं यहाँ, तमिलनाडु एंड केरला इन एरियाज के ज्यादातर हैं। यार मुझे लगता है कि आई होप यहाँ रियल बटरफ्लाईज हो, ये खाली तस्वीरों से ना काम चलाया हुआ, तस्वीरें जगह जगह आ रही हैं। बच्चों के लिए एक वो बनाया हुआ है, अगर कोई नैपी वगैरह चेंज करना है, रेस्ट करना है, तो बड़ा अच्छा एक रेस्ट रूम सा बनाया हुआ है, वेरी गुड भाई। काफ़ी चलने के बाद, तस्वीरों के बाद, आखिरकार एक इस तरह की बटरफ्लाई नज़र आई है। तो अभी तक हम खोज में हैं कि असली बटरफ्लाईज किधर है, तो अभी खैर ये वाली नज़र आई है। और बच्चे देखो क्या उसको तंग कर रहे हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं असली बटरफ्लाईज का है। मैंने कहा यार असली तो मिल नहीं रही, असली तो मिल नहीं रही, तो मैंने कहा हम ही थोड़ी देर के लिए बटरफ्लाई बन गए। ये भाई बड़ा एक मॉडर्न सा इन्होंने बनाया हुआ है, सारी स्टेजेस जो हैं तितलियों की, हर तरह की नस्ल, हर तरह की ब्रीड, क्या किस किस मराहिल से एक तितली गुजरती है, तो हमने लाइव भी देखा। और ये देखें, ये हमने अभी पकड़ा था प्यूपा, लार्वा भी देखा, एग भी आपको दिखाया, ये देखें। तो बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने, बहुत ही खूबसूरती से, बच्चों के लिए स्पेशली, बड़ों के लिए भी बहुत ही अमेजिंग ये इन्होंने फैसिलिटीज़ दी हुई और बहुत ही खूबसूरती से बताया हुआ है सारा। और ये देखें यहाँ पे इन स्टेट्स में ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट जितनी भी तरह की तितलियाँ पाई जाती हैं उनके उन्होंने ये सैंपल से रखे हैं, डमीज कह रहे हैं आप। ये देखिए, ये बहुत बड़ी एक तितली होती है, 7.4 inch वो रॉड ही बहुत बड़ी है, ये देखिए जबरदस्त। तो भाई ये लिखा है बटरफ्लाइज टेनेंट्स ऑन अर्थ फॉर ओवर 140 million years। ये देखें सबसे ज़्यादा बटरफ्लाई, फिर ये प्लांट्स, फिर बर्ड्स, फिर हाथी, मैमल्स, फिर ह्यूमन, तो हम सबसे एंड में हैं। अच्छा भाई, अगर फिर भी बच्चे थोड़े कंफ्यूज हैं और बच्चों को आप और सिखाना चाहते हैं बटरफ्लाइज के बारे में इन सब के बाद, तो क्लासेस का भी इंतज़ाम किया गया है यहाँ पे। कोई एक टीचर भी आएंगी, वो बताएंगी पूरे वाइल्ड लाइफ के बारे में और स्पेशली बटरफ्लाइज के बारे में। लो भाई, बहुत ही लंबा दिन ख़त्म हुआ, फाइनली थक गए भाई, हालत देख सकते हैं आप घूम घूम के। तो भाई उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, बड़े जानवर देखे हमने, हर तरह के एनिमल, सफारी, बटरफ्लाई, रेप्टाइल, बर्ड्स, हर चीज़ देखी। तो चैनल को ऐसे ही लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, मैं आपको दिखाता रहूँगा नई नई चीज़ें। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था कर्नाटका का। अपना और आसपास वालों का ख्याल रखें, मोशी भाई को ऐसे ही लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। साइनिंग ऑफ।